कर देना, मैं पहुंच जाना है। है थोड़ा थोड़ा पहुंच गए, ऊपर आ गए। ये सारा रानियों का गलियार है और साथ साथ में राजा का गलियार है। ऐसी बारिश आती थी यहाँ से, ये पानी इकट्ठा होके जो बार बार ये सारी पेंटिंग रिन्यू की गई है। हेलो जी, सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल जी। आज हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट पे और इसकी ऊंचाई सीधी खड़ी चढ़ाना है और हमारी स्कूटी चेक कर लो। अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट पे और वो सीधा नीचे से आए हैं। मैंने सोचा क्यों ना ट्रैवल का व्लॉग बनाया जाए, काफ़ी टाइम हो गया ट्रैवल का व्लॉग नहीं बनाया। और नीचे लोगों के घर दिख रहे हैं, चेक कर लो। एक्टिवा 3G है ना, 3G है ना, और पूरी पावर ले रखी है। और चेक करो भाई, सीधी खड़ी चढ़ाना है और ऊपर से पूरा शहर दिख रहा है। अलग ही एक्सपीरियंस है ये तो। पूरी पावर लगी स्कूटी की और अगर स्कूटी बंद होगी तो सीधा बैक जानी है सीधा। यहाँ से चेक करो ऊंचाई कहाँ। सीधा नाहरगढ़ फोर्ट जा रहा है रास्ता, मैं भाई चकते बटे। ऊपर वो नाहरगढ़ फोर्ट है, इतनी ऊंची आ गई, ऊंचाई चेक कर लो, पूरा शहर दिखने लग गया। पूरा जोर लग गया है ना। व्यू आ रहा है, चेक करो नीचे। पहाड़ के ऊपर से आपको व्यू चेक कराता हूँ। तेल पी गई, एक सुई। पूरा शहर दिख रहा है। चेक करो कैसे पावर लगी हुई है और ऊपर जाना पूरा हमें। लो जी, नाहरगढ़ फोर्ट जा रहे हैं। ऊंचाई आपको दिखा दी कितनी ज्यादा ऊंचाई है भाई, नेक्स्ट लेवल। नीचे से आए हैं ऊपर तक, स्कूटी कम से कम नहीं तो मान के चलो सुई ना आधी टैंकी से एक प्लस थी, इतनी पावर लगी। और अभी सिर्फ हम 200 मीटर आए हैं, एक सुई डाउन होगी, इतनी ज़्यादा पावर लगी। और जो भी यहाँ से जा रहा है ना, हमें इस कोने पे खड़े हैं, सारे यही पूछ रहे हैं। हमने वैसे स्कूटी साइड पे खड़ी की 2 मिनट पानी वगैरह पीने के लिए, सारे पूछ रहे हैं भाई ऊपर चले जाएगी कि नहीं हमारी बाइक वगैरह। हमने कहा भाई जाएगी, हमने तो वैसे रोक के रखी है यहाँ पे। अब आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ नाहरगढ़ फोर्ट, बड़ा मज़ा आ रहा है यार। आप वीडियो को लाइक जरूर करना, प्लीज़ शेयर करना सभी के साथ। हम जा रहे हैं ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट देखने के लिए। मैंने कहा ना हर शहर में स्कूटी पे, काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं एक ट्रैवल ब्लॉग बना रहा हूँ, हर शहर में स्कूटी लेके घूमने का अलग ही मज़ा आता है, नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है। आप मेरे पीछे व्यू चेक करो। चल भाई चल, ओए ओए चेक कर रहे हो स्कूटी कितना जोर खा रही है। ओए ओए भाई झाड़ी से मारे ही। लो जी थोड़ा हाँ स्लाइड है, थोड़ा थोड़ा पहुंच गए ऊपर आ गए आराम नाल। असल जे घोड़िया घोड़े और हाथियों के लिए रास्ता था ना, घोड़े आते थे यहाँ से, आज भी घोड़े ही आ रहे हैं भाई। कंडिया तो बचा के चल, मैं उतर जाना, मैं पहुंच जाना। नहीं 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 तिलक दे, आराम नाल बैठा रहे। चल 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 चल
सूरज भी आज गर्मी मार रहा है। चल चल राम नाल राम नाल राम नाल राम नाल। एंट्री पॉइंट गेट पे आ गए हम नीचे से, अब देखते हैं यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है। लो जी कितने 20 बच्ची काटो, आप आपको देते हैं कहाँ लगाएं फोटो, गाड़ी आगे जाएगा। कितना सामने से लग, कितना बड़ा फोट है ये? ज़्यादा बड़ा नहीं, तो फोटो पे घुमा जाएगा। हाँ बाहर इसके बाद आगे पहले आगे लग जाएगा आपके, फिर अंदर चल जाना। लो जी 20 रुपये की पर्ची ले ली हमने। चलो भाई रस्ते में पेट्रोल पंप आता है। ये सारी किले की आउटर लाइन है, सरहद बनी हुई है शहर में काफ़ी जगह तक ये दिखती है ये। बाकी अब यहाँ लोग दिखने लग गए हमें काफ़ी सारे, नीचे से तो यही लग रहा था हम अकेले आए हैं। यहाँ सही रोड आ गया, काफ़ी सारे लोग आए हैं देखने के लिए। अब जा रहे हैं हम स्कूटी लेके आगे, देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये रोड। ओए ये रोड तो सही आ गया अब आगे वाला। चौकी बनी हुई है एक माता का मंदिर, यहाँ रुकेंगे, यहाँ देखते हैं क्या कौन सी पर्ची पर्ची दे। बाहर जा रहे हो? हाँ जी, बस ये फोर्ट के अंदर जाना था हमने। फोर्ट तो अंदर रह गया, पीछे रह गया क्या? ये तो बाहर का रास्ता है। अरे हमने वहाँ से पर्ची ली, हमें तो पता लगा, हमें लगा कोई बात नहीं अंदर जाओ, राइट साइड में जाओ। राइट साइड में? अच्छा फोर्ट देख के ये आमेर को रास्ता जाएगा, आमेर जल महल जयगढ़। ओके तीनों को यही रास्ता जाता है। कितना पड़ता है यहाँ से आमेर किला? 12 किलोमीटर। वो भी काफ़ी बड़ा है। हाँ वो सबसे बड़ा है। इसको कितना टाइम लगेगा देखने में? 1 घंटा मानो। ओके चल बैठ फिर जल्दी, चलो डोंट वेस्ट द टाइम। वापस जा रहे हो? हाँ वो जाएंगे वापस, जाना ही पड़ेगा। लो जी हम तो बिना किला देखे बाहर को जा रहे थे, भैया कहते पर्ची दे, और हमें पता लगा हम तो पीछे छोड़े किले को, वापस किले की तरफ जा रहे हैं। हम ये रास्ते से आए थे और यहाँ जाना था और हम बाहर की तरफ चले गए, अंदर जा रहे हैं जयगढ़ नाहरगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट देखने। ये सनराइज पॉइंट है यहाँ पे। लो जी यहाँ पे है व्हीकल पार्किंग, टू व्हीलर दी अग्गे होनी है, टू व्हीलर और है अग्गे, और है टू व्हीलर दी पार्किंग अग्गे। एंट्री पॉइंट नाहरगढ़ फोर्ट, यहाँ से एंट्री है भाई, और अंदर काफ़ी भीड़ है, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद चलेंगे अंदर देखने के लिए। तो लो भाई अंदर से कुछ इस तरह का है ये, बाकी आपको मैं अभी दिखाऊँगा सारा। ये बार बग्घी बना रखी है इन्होंने पुराने राजा महाराजाओं के टाइप की, और वहाँ पर ना वो सामने पड़ी उसके अंदर एक नकली शेर बना रखा है, और अंदर ये शीश महल है, ये सारा शीशे का महल, शीशों से बना हुआ जो, और ये बग्घी बना रखी है। चलो आप अंदर की तरफ चलते हैं, और बंदर बहुत सारे आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हो छोटे छोटे बंदर, बड़े बड़े बंदर, कैमरा स्टिक को देख के वैसे तो दौड़ते हैं ये। और कुछ इस तरह का अंदर से किला है, चलो आपको किला दिखाता हूँ मैं सीधा। अंदर आए तो हमें इतनी सुंदर देखने को मिली ये बावड़ी, अंदर से तो चलो अब गंदी हो रखी है, हरा हरा पानी हो रखा है, पर ये बावड़ी इसके अंदर बनी हुई है, बावड़ी यानी कि वाटर स्टोरेज, ये देखो। और वो किले की दीवार है, कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे। बाकी आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्री है इसकी, कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे, और एंट्री पे तोप पड़ी हुई है, ये थी तोप। ये है राजा सवई जय सिंह जी ने बनवाया था, उनकी टोटल 9 रानियाँ थी, और उनके लिए 18 कमरे बनवाए थे, 18 कमरे यानी एक एक रानी के दो दो कमरे, एक कमरा समर का, एक कमरा विंटर का। और जो ये नीचे शहर से लेके पूरा ऊपर तक जो फोर्ट है 600 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये इमरजेंसी के लिए बनवाया था राजा ने। क्यों बनवाया था? अगर शहर में कोई दिक्कत आ गई या कोई हमला हो गया तो रानियों को यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। यहाँ पर किसी भी रानी का नेम नहीं लिया जाता था, रानियों को
उनका नाम जो अपना फोर्ट का नाम रखते थे उन्हीं नेम से उनको बुलाया जाता था। तो एक एक रानी के दो दो कमरे हैं। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कौन कौन से कमरे रानी को अलग अलग दिए गए हैं, और सेम नीचे जो पैटर्न बना है ऊपर वही पैटर्न बना है ताकि रानियों में आपस में लड़ाई ना हो। चलो चलते हैं, बाकी अब आपको दिखाता हूँ आगे की स्टोरी। हमने एक गाइड किया, वो हमें जो बता रहे हैं हम आपको वही एग्जैक्ट बता रहे हैं। गाइड को हम आगे नहीं लेके आ सकते, उनकी कोई प्राइवेसी होती है, पर जो स्टोरी उन्होंने मेरे को बताई वही स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ये पहले स्टोरी कभी सुनी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। चलो मैं आपको अब दिखाता हूँ। अच्छा, और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये जो आप जगह देख रहे हो ये जैसे यहाँ पे 600 मीटर अप है ना ये, तो जैसी बारिश आती थी यहाँ से ये पानी इकट्ठा होके जो बार बावड़ी मैंने आपको दिखाई है ना आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उस बावड़ी में इकट्ठा हो जाता था। ये सारा रानियों के लिए इकट्ठा होता था पानी, और वो पानी यहाँ के लिए रानियाँ यूज़ करती थी। कोई सर्वेंट मतलब जो अलग सैनिक है उनके लिए यूज़ नहीं होता था। ये जो रास्ता ये है, और नीचे मैं आप जा रहा हूँ आपको किचन दिखाने। उसके बाद ये जो पेंटिंग देख रहे हो, अभी पेंटिंग रीन्यू की गई है, कलर किया गया अब इसको, लेकिन मैं आपको पुराने ज़माने की पेंटिंग्स दिखाता हूँ। ये है पुराने ज़माने की पेंटिंग, ये देख रहे हो, ये वेजिटेबल्स 10-12 वेजिटेबल्स को इकट्ठा करके उनके रस निकाल के उससे बनाई गई है, और ऐसे लग रहा है जैसे ऑयल पेंटिंग हो। चेक करो, ये खासियत है यहाँ की, और बहुत सारी चीज़ें। चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये जो कमरे आप देख रहे हो ये रानियों के कनेक्शन के लिए इकट्ठे होते थे, जब राजा वगैरह कोई दौरे पे जाते थे ना, तो ये उनका मीडिएटर पॉइंट है जहाँ पे सारी रानी इकट्ठे होकर मिल सकती थी दासियों से भी। और ये जो हुक देख रहे हो आप, ये हुक उस टाइम के पुराने लगे हुए हैं, पहले लालटेन या मसाला जला के इधर लगाया जाता था, क्योंकि कोई बिजली वगैरह तो थी नहीं, इस करके यहाँ पर लगाई जाती थी। ये हुक आपको हर कोने में दिखेंगे। बाकी आगे चीज़ें दिखाता हूँ आपको, रानियों के किचन और उनका बेडरूम वगैरह सारा दिखाता हूँ मैं। ये देखो, जिस पॉइंट पर भी जाएंगे ना ऐसे लगेगा आप उसी पॉइंट पे आ गए, सेम वैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये भूल भुलैया टाइप ही है सारा, देखो ऐसे लग रहा है ना वही पॉइंट पे आ गए वापस, और वही सेम एक ही जगह पे जो पानी जाने वाला। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ देख रही हूँ, ये चिमनी है, ये देखो ये चिमनी है रानियों की। किचन दिखाऊंगा अभी आपको मैं, उस किचन के साथ कनेक्ट होती है चिमनी, जो नीचे किचन का खाना बनता है उसका धुआं सारा इधर से बाहर निकलता था। और क्या ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बना रखा है इसका, मतलब बहुत इंटेलिजेंसी से क्रिएट कर रखे है इसको महल को। और ये सारा समर रूम है, बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ आगे। तो ये पूरे 4 अपार्टमेंट्स हैं, वो आगे से आए हैं हम, वो उधर से यहाँ तक। और ये है राजा की 3 रानियाँ होती हैं, सबसे पहले होती है महारानी, सेकंड पटरानी यानी सेकंड रानी, उसके बाद रानियाँ होती है सारी। तो जो महारानी था उसका अपार्टमेंट है ये, और उसका अपार्टमेंट में डबल बेडरूम दे रखा है। ये देखो, ये जो बड़ा बाकी सारी रानियों के रूम दिखाए हैं वो छोटे थे, ये महारानी जो राजा की सबसे फर्स्ट रानी है उसका रूम है। अंदर से शायद मैं दिखा पाऊँ, ये देखो शायद ही दिख रहा होगा आप, शायद ये महारानी का रूम है। ये देखो सारा जो महारानी है, मान लो अगर जैसे कि बाहर वाले किले पे अटैक हो गया फिर इधर भी अटैक हो गया, टोटल वैसे इधर 7 रूम दिखेंगे, टोटल 9 रूम्स है। 2 रूम है जो वो गुप्त है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ पर बने हुए हैं। बाकी पूरी स्टोरी कंटिन्यू चलती रहेगी, स्किप मत करना, बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को भी सुनने में और सुनाने में भी। आपको पूरी वीडियो एंड तक देखना, और अच्छी लगे तो शेयर सभी के साथ करना। जैसे अब ये है सीक्रेट गलियारा, ये ऐसे लेके ऐसे तक ये पूरा पीछे तक जाता है, 9 रानियों के साथ कनेक्टेड है। और जैसे राजा ने किसी रानी के पास आना है सीक्रेटली पता लगेगा, तो ये मान लो रानी का रूम है तो इसको राजा जी ऐसे ऐसे करके खटकाएंगे, वही रानी के पास जा पाएंगे, बाकी अदर रानियों को पता भी नहीं लगेगा कि राजा साहब आए हैं, सिर्फ उसी रानी को पता लगेगा जिस कमरे का दरवाज़ा खटकेगा। ये सीक्रेट गलियारा है, 9 की 9 रानियों के साथ कनेक्ट होता है, मतलब देख लो कितने तरीके से और कितने दिमाग लगा के बनाया गया है। और ताकि इसको इसलिए बनाया सीक्रेटली ताकि और रानियों के अंदर लड़ाई ना हो। चलते आगे आपको और दिखाता हूँ क्या क्या और बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। और अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हो तो गाइड जरूर ले लेना, ऐसे नहीं पता लगेगा, आप ऐसे घूम फिर के चले जाओगे आपको लगेगा पता नहीं क्या बना रखा है। अगर गाइड लोगे ना एक एक चीज़ का पता लगेगा क्यों बना रखी है, किस वजह से बना रखी है। चलो आओ चलते हैं। ये जो विंडो आप देख रहे हो ये रानियों के लिए, अगर नीचे पहले पर्दा प्रथा थी, जैसे कोई नीचे डांस वगैरह होता था, कुछ भी कोई प्रोग्राम होता था तो रानियां अलग अलग विंडो से देखती थी। और ये जो विंडो है ये मेन महारानी की विंडो है, और ये आप नीचे देख सकते हो, यहाँ बीच में प्रोग्राम चलता था और राजा साहब वो सामने देख रहे हो, वो सामने उधर बैठती थी, बाकी ये सारी रानियाँ यहाँ से अलग अलग विंडो से देखती थी।
ये भी बड़ी डिफरेंट सी चीज़ पता लगी है मेरे को यहाँ पे आके। चलो आगे चलते और स्टोरी बताता हूँ आपको। ये सारा रानियों का गलियारा है और साथ साथ में राजा का गलियारा है, और ये देखो ये राजा का गलियारा है, मतलब राजा कहीं भी आ सकते हैं, बीच में से किसी के पास भी जा सकते हैं, और रानियों का यही गलियारा है, और किसी को खबर भी नहीं हो सकती। वाह यार क्या आर्किटेक्चर है, क्या दिमाग लगा के बनाया है। चलो आगे चलते हैं और जानते हैं इस अच्छे से फोर्ट के बारे में नई चीज़ें। ये जो आप देख रही हो ये है रानियों का किचन, और ये चिमनी पहले की आजकल तो बहुत एडवांस चिमनी आ गई ना, वैसे पुरानी चिमनी है। देखो ऊपर देख रहे हो दो मोरे, वहाँ से सारा धुआं बाहर जाता था। और ये है रानियों की किचन का रखने का सामान, यहाँ पे सामान भी रखते थे। ये देखो ये किचन बनी हुई है रानियों की। वाह यार ये देखो ऊपर से भी देखो, और ये चिमनी यहाँ पे, मतलब अगर कुकिंग होती थी ना यहाँ पे तो सारा धुआं ऊपर से बाहर निकल जाता था। मतलब बहुत ज़बरदस्त नॉलेज मिल रही है हमको, और हम आपको बता रहे हैं, और देखो कितनी इंटेलिजेंसी से बना रखा ना राजा ने। वाह मज़ा आ गया देख के। और ये है रानियों का स्टोरेज रूम जहाँ पे सारा खाने पीने का सामान रखा जाता था। चेक करो, वाह भाई वाह, अनाज यहाँ पे रखा जाता था, अनाज दालें जो भी खाने पीने का सामान यहीं पे रखा जाता था। ये सारा स्टोरेज रूम था रानियों का। ये देखो शेल्फ्स बने हुए ना, यहाँ पे खाना का सामान रखा जाता था। चलो और चीज़ें दिखाता हूँ आपको मैं। ये रानियों का चेंजिंग रूम है, ये उनका बेडरूम है, और ये उनका एक सिटिंग रूम है, और इसी के साथ ये बेडरूम बना हुआ बीच में, और एक रूम वो सामने बना हुआ है। यही सेम आर्किटेक्चर से बाकी रानियों के भी बने हुए हैं, ये देख सकते हो आप। और ये सारी जो पेंटिंग है ये सारी वेजिटेबल से बनी हुई पेंटिंग से, चेक कर सकते हो आप। ये सारी वेजिटेबल के जूसेस निकाल के उसको, मतलब वेजिटेबल को क्रश करके उनकी कलर से बना रखी है, और आज भी देखो बरकरार है। अब हम जा रहे हैं आपको ऊपर से पूरी सिटी का व्यू दिखाने, ये छोटी सी गलियारा है ताकि अगर दुश्मन भी कभी आ जाए ना तो काफ़ी बड़ी अमाउंट में ना आ सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मोटा बंदा तो फंस ही जाए, सिंगल बंदे के लिए जगह है यहाँ से। अब मैं आपको पूरा शहर दिखाता हूँ ऊपर से, ये देखो किले के ऊपर ये सारे गुंबद बने हुए हैं, और ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है। अब ऊपर से गिनोगे ना तो अलग अलग रानियों के आपको दिखेंगे रूम्स के ऊपर ये बने हुए गुंबद। चेक करो पूरा शहर, ये देखो पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। कुछ इस तरह का था ये किला, मैंने आपको पूरा टूर दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करना, सभी के साथ लाइक करना और कमेंट जरूर करके बताना। ये है सूरज प्रकाश, ये चार रानियाँ यहीं रहती हैं और बाकी रानियाँ चार इधर ये चंद्र प्रकाश में। ये दोनों अलग अलग रानियों के ये कमरे बने हुए हैं यहाँ पे, चार रानियों के, चार यहाँ रानियों के, एक जो मेन रानी है बड़ी वो सबसे महारानी उसका वहाँ रूम है। टॉयलेट्स दिखाता हूँ पुराने ज़माने की। ये पुराने ज़माने के टॉयलेट्स बने हुए हैं, देखो फ्लश देखो कितनी बड़ी बना रखी है, रानियों के ज़माने के टॉयलेट्स हैं। ये रोशनदान भी बने हैं ताकि रोशनी भी आती रहे यहाँ से। तो इस वीडियो को आप लाइक करना, मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स दिखाए हैं इस जगह के, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। आप वीडियो को करना लाइक शेयर और कमेंट, और मिलते किसी कोई बड़ी ऐसी वीडियो में कोई बड़ी ऐसी चीज़ लेकर। टिल देन बाय बाय।